Under the influence, you and I did not make a sense. Tell me why you're putting on a fence. Boys, don't cry. Boys, don't cry. Endless game. When's it gonna end? We became. तमिल जाना है नर्सिंग चौक, नर्सिंग चौक। हाँ कितना कितना मैडम? ठीक है, ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम रोजेला अरबी। नहीं नहीं, आपका? सबिन। क्या? सबिन रहने। सबिंग। तो सबिंग जी हमको छोड़ने वाले तमल स्ट्रीट में, नर्सिंग में। और इन्होंने मतलब सबसे कम पैसे लिए अभी तक पूरे नेपाल के ट्रिप में हमारे से छोड़ने। हाँ तो रात को सब लोग आते ही तो ये अच्छा था। तो मैं हैप्पी। हाँ आपने कम मांगा इसे बात आपको एक पप्पी मुंडी उधर कर ले, बोले नहीं चाहिए इनका। तुमने उसका नाम पूछा और मेरे मेरे मैंने मेरी नाम बोल दिया। ओके स्टेट जाके और जब आपको कोई ट्रैवल कर रहा हो, कोई अच्छा सर्विस कुछ को अगर है टैक्सी, तो आप अपने साइड से भी उनको एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उतना ही, क्योंकि वी नीड टू हेल्प फॉर द टूरिज्म ऑफ आवर नेपाल। इट्स लाइक आवर बिलव्ड कंट्री, आवर नेबर। आई मीन मुझे आवा के आवा एड्रेस good, what about you? Nani? नहीं नहीं अच्छी आती है। और नानी की भी हिंदी बहुत अच्छी है। क्या था नानी? काम पच्चीस कैसे हो? क्या चल? तुमने खाना खा लिया? बस नहीं भी खाया तो मेरे को कौन सा फर्क पड़ता है? क्या था नानी? नानी नहीं नहीं तुम भी बहुत अच्छा बोल रही हो। अगर मैं बांग्लादेश में जाऊंगा, अच्छा तीनों को बोलते ना, तो नानी कुछ बंगाली में बोलो, इतना हम लोग उसके बिचारे के बोल रहे हैं। तीनों देखते ना, ठीक है तीनों बोलेंगे। बोलो तुम्हें क्या मना छो? Bangladesh also speak Hindi, right? No, 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 this is not. No, what language is that? Bangali. Whenever next time if I say her that now, her Hindi is very bad, then she can say, speak Bengali, like her language, then it will be difficult for me. So, you're moving this. Yeah. What, you have accepted that, Nani? Yeah. No option. तुमको बोल रहे हैं? हाँ, मुझे कल भी बहुत कुछ बोला है। क्या क्या बोला? मैंने थोड़ा थोड़ा समझाई और कुछ थोड़ा थोड़ा इग्नोर किया। क्यों? शादी पबजी खेल रहा है अपने भाई। मैंने मैंने उसको पिक्चर निकालने के लिए बोला। हाँ मैंने उसको पिक्चर निकालने के लिए बोली, तो उसने मैंने बोला कैसे हुआ है मेरी पिक्चर, उसने बोला ना, मैंने बोला ये पिक्चर अच्छा नहीं है, उसने बोला मुझे तो अच्छी लगी। बहुत अच्छी है। मुझे देख के शर्माती है। अरे क्या बोल रही, शर्माती है? आर यू फीलिंग शाय टू लुक हर? थोड़ा 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 थोड़ा। तुमको मालूम नहीं है कल रात को मैं उसके साथ था। आई वॉज विथ हिम यस्टरडे नाइट, सो आई नो दैट हाउ मच शाय ही इज। ये तुमको भी मालूम रहेगा, शर्माते ही नहीं करते। बस ये आपको बहन जी बोला? बहन जी बोला? नहीं मैंने आप सुंदर हो बोला। ओ मुझे बहन जी नहीं बोला। ठीक ठीक है, मैंने आप सुंदर हो बोला। हाँ ठीक है, थैंक यू। मुझे बुझा कर रहा था। ये तो ले लिया। ये बहुत फनी है, बहुत फनी है। कल रात को तो वीडियो में तुमने देखा रहेगा, बहुत फनी है और अभी भी फुल फनी चालू है। अल्लाह ना बहन जी और तुम खूबसूरत हो। फिर थैंक यू, मजाक कर रहा था। बुरा मत मान, मैं सच में बोल रहा था। नहीं नहीं, आई डोंट माइंड। इंग्लिश इंग्लिश क्या बात है, इंग्लिश वाह, तू हैरान हो।
तो ऐसी कंपनी मिलती है ना, तुमको कहीं जाने का मन ही नहीं करता, तुम वहीं पर बैठे हुए काउंटर पे एंजॉय करोगे, नए कंट्री में इतने अच्छे लोग हैं, दोस्त हो गए और क्या चाहिए। पबजी जब से तेरे नैना मेरे नैना से ला, गिव मी द टॉवल, गिव मी द टॉवल लाइक yeah, we just had fight yesterday man. Yeah, but yesterday he went with me for the party, so she, her wife got angry. And after this video, it's not my wife got angry because I went out with you. Okay. My wife got angry with me for taking a picture with our staff member. Okay, in the morning. That's so funny. But she looks beautiful with your staff member. कैसे कहते तुम्हारे नंबर मुझे चाहिए। सच सच में मांग ले। थोड़ा सा शर्म कर, मैं हूँ साथ में। मेरा दोस्तों के सामने मेरे फ्लैट। मेरा नंबर चाहिए। मेरा नंबर। ओके बोलो। अभी तुम्हारा नंबर चाहिए। हमें तुम्हारा फोन नंबर चाहिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो मत दो, उसमें तुम्हारा ही घाटा है। नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। सो राइट नाउ मैं अपने हॉस्टल के नीचे रुका हूँ, तो हमारे साथ मौजूद है पबी जो यहाँ पे लोकल सिटीजन है, और सकीना जी। हेलो। Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time, you're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. Right now, हम लोग वसंतपुर में, और मस्त है यहाँ पे टेम्पल्स, थोड़े अलग है जो टेम्पल्स आप देखते ना यहाँ पे ना, मतलब ना ईटा है ना, ईटे का कलर का। और सोचिए ना, मतलब 2015 में भी अर्थ को गया था, थोड़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय है, मगर मेन जो चीज़ें हैं ना वो अभी भी अवेलेबल है यहाँ पे। आई होप कि मतलब जल्दी से जल्दी इसको रिकवर किया जाए, और फिर जो मतलब चीज़ रहता है ना, अभी जो टूटा हुआ है उसको बना रहे, तो फटाक से जल्दी बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। जो है वो काल भैरव का मंदिर है। ओके, तो हम राजन जी के साथ है, तो यहाँ पे पंडित है और वाइस प्रेसिडेंट है ये लोकेशन, तो आप बता सकते हैं कि ये लोकेशन के बारे में, मतलब अर्थ के पहले मतलब कौन सी मंदिर है यहाँ पे? यहाँ पे तो जैसे कि वो कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है ये जो एरिया, ये जो पूरा एरिया है हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर, ये 33 करोड़ देवी देवताओं का ये एरिया है। यहाँ 12 साल में एक बार जब ये सरस्वती भवानी का मंदिर बना था तब राधा महेंद्र मल्ल ने। ओके, कितना साल पुराना है? बहुत साल पुराना है, 3200 साल पुराना है। हाँ, तभी राजा महेंद्र मल्ल ने यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं को बुला के यहाँ पे, जैसे जो भोज कहते हैं, जो पार्टी अभी पार्टी कहते हैं, यहाँ पे भोज खिलाया था, तभी से 33 करोड़ देवी देवताओं का वास स्थान है। और फिर जो आगे वो तलेजू मंदिर, यहाँ हरेक जैसे संसार में कहीं भी नई मंदिर है वो यहाँ हनुमान ढोका दरबार में है। तो अभी वो मंदिर जो है तलुजा, वो साल में 21 दिन खुलता है। साल एक साल में नवरात्रि के लास्ट दिन मिलता है, दशहरे के नवरात्रि के नवरात्रि में खुलेगा, लास्ट दिन में नवरात्रि में। दशहरा एक सबसे बड़ा फेस्टिवल है नेपाल में, क्योंकि मेरे दोस्त थे वो भी नेपाल से, दशहरा के दिन कि मुंबई में भी रहता है ना फेस्टिवल, बहुत मतलब धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं दशहरा। जो ये पीछे वाला वो व्हाइट मंदिर है, वो कागेश्वरी का, कागेश्वरी महादेव का टेम्पल है। और जैसे ये आगे ये इंद्रेश्वर है, ये कोटिलिंगेश्वर महादेव है, और वो आगे वाला महाविष्णु है, बहुत सारे मंदिर। हाँ, और वो जो पीछे है पशुपति का मंदिर है। चलो ना, चलो दर्शन कराने लेके जा रहे हैं ना आप हमारे। नाम क्या है? उसी से पूछो ना, नाम नाम पूछ रहा है, नाम नाम पूछ रहा है। मेरा नाम रोजिला रवि, हमारा नाम राजन है। मेरा नाम तो पूछे नहीं आप? नहीं, आपका नाम क्या? मेरा नाम नहीं पूछे। मिथिलेश कुमार? नहीं, मिथिलेश यादव। हाँ, अच्छा, यादव। तो हम
इस वक्त ना मतलब राजा के दरबार में, तो आप पीछे पिक्चर्स देखें तो इतने राजा यहाँ पे रह चुके और उनका अकाउंट होता था, ये उनका घर है, पूरा दरबार है, तो यहीं पे रहते थे। तो अभी थोड़ा अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, उसको फिर से बनाया जा रहा है, थोड़ा टाइम जाएगा और आप एंट्री नहीं कर सकते, वो तो हमारे साथ वो है करके एंट्री मिला है। सकीना जी, आप यूरोप गए थे तो कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत इंजॉय किया। कितने दिन के लिए गए थे? वन मंथ के लिए। कहाँ कहाँ कवर किए थे? मैं स्वीडन गई, डेनमार्क गई, नॉर्वे गई। ओके, दैट्स इट। सजेशन देना चाहोगी लोगों को ट्रैवल करने से? जरूर घूमना चाहिए यूरोप में, कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं। अब अभी तुम इंडिया गई थी ना? हाँ, मैं गई। कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा, मैं फिर से जाना चाहूंगी एक बार। तो आना चाहिए, बहुत बार। तुम ऑलवेज वेलकम, आओ इंडिया। और मैं भी नहीं, हम साथ में जाएंगे, हम साथ में जाएंगे। हाँ, 4-5 हज़ार साल पुराना घड़ी है पहले का। ये जो घड़ी है इसको ऐसे ऐसे करके देखने से क्या होता है कि ये जो बीच का पॉइंट जो है उसमें पहले देखना है, तो इसमें वो सूर्य का किरण जो पड़ता है ना, तो ऑटोमेटिक इतना बता बोल के मालूम पड़ जाता है। हम भी लिविंग गॉड इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो मल्लकालीन राजा था, राजा जयप्रकाश मल्ल को ये जो तुलजा भवानी माता की आज्ञा से एक शाक्य जो हमारा जैसे आप याद हुआ हम मौत में ये शाक्य फर्क एक लड़की को यहाँ पे लिविंग गॉड बना के रखो, तुम्हारा जो अभी राज्य है 12 साल तक और रहेगा। बोल के जब माता ने उनको आज्ञा दिया तब तभी से कुमारी लिविंग गॉड का यहाँ परंपरा शुरू हुआ है। लिविंग गॉड जो है लिविंग गॉड यहाँ काठमांडू एरिया में 32 जगह पे 32 लिविंग गॉड है। 32 लिविंग गॉड, हाँ, ये काठमांडू एरिया में ये तो यही राजा ने 32 नहीं ये मतलब उनके लाइफ में आगे 1200 साल अच्छा होगा करके उनको लिविंग गॉड बनाए। कभी भी लड़की लोग के साथ आने का, मैं लड़की लोग को बोला गया जगह ढूंढ के बैठ जाने का, चलो शॉपिंग करते रहते मस्त में जगह मिला मेरे को बैठ गया, मैं तो मेरे को पता है कि अभी वो सब दुकान में ये देखेंगे, कान का देखेंगे, हाथ का। कितने अच्छे हैं, बस मेरे फ़ोन पे स्टिकर लगाया उन्होंने। बहुत सारे कंट्री में जाओगे ना वो फ्लैग वगैरह के साथ पैसा लेते फोटो लेंगे, मगर इन्होंने अंकल बोला नहीं नहीं ये पैसे से, मैं बोला कि अंकल कितना, बोलते नहीं पैसा वैसा नहीं है ये फ्री में, और फिर उन्होंने स्टिकर लगाया मेरे लिए और इतना फोटो उन्होंने, मैंने सबको बोला फोटो लेने कोई ढंग का नहीं, अंकल ने मस्त वाला फोटो लिए। Truth is hard to see, but never ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky me. मेरे को इनके साथ बहुत मजा आया, कुछ ताली दो। सच में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत खाया हम लोगों ने, मस्त में बातचीत किया, और पीछे वो लोग आपस में आता था लिपस्टिक ही चालू उनका, फुल मेकअप हम लोगों का दो एक साबुन और एक कोलगेट ब्रश, खत्म। क्योंकि ये भी ट्रैवलर है, मैं भी ट्रैवलर, हम लोग को मालूम है ना इसकी वैल्यू। नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, तुम्हारा दोस्त एंड होस्ट मिथिलेश बैकपैकर। तो राइट नाउ मैं हॉस्टल में था, तो आई एम रियली थैंकफुल कि मतलब ना दीपक जो यहाँ पे थे वो मुझसे मिलने के लिए आए, और गोई ही इज फ्रॉम
Philippines, like it's one of my favorite country. Babu, yeah. My. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, you should definitely go there. So, Gori, how are you feeling in like Nepal? I've never been outside Kathmandu, so I can't say anything. Oh, by the way, I'm sorry to say that. He just arrived 2 hours before, so he don't have a much idea that how is Kathmandu. So we have to give him time, and then after that we can ask him about how his experience here. And we can ask you better. Yes, Kathmandu is good. And I am going to Pokhara tomorrow. Okay. Yes, only one day. I just explore all the Kathmandu, and Kathmandu is good. Only weather is hot. हाँ, थोड़ा क्लाइमेट एंड में और गर्म है. अगर आप प्लान कर रहे हो तो सितंबर के बाद प्लान करोगे तो मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर से ज़्यादा ठंडी चालू होगी, थोड़ा मज़ा आएगा. और जनवरी में ज़्यादा ठंडी हो जाएगा. हाँ, तो उससे पहले ही नवंबर में. एंड गोई, आई एम लाइक ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप. एंड गोई ऑल्सो प्लानिंग टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल. थैंक्स ना दीपक. दीपक आए, वही अच्छा मेरे को लगा कि मतलब ना ट्रैवल चैनल क्रिएट क्यों किया मैंने, कि मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने. और दीपक आए मेरे को मिलने के लिए, तो वही मेरे लिए सबसे लेता है ना मोटिवेशन था. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. बाय गाइस. अपना कुछ इज्जत ही नहीं है क्या? हम लोग कोई पूछा ही नहीं कि तुमको चलना है, चोरस खाना है, खाना है. अकेला जाके घूम के आ गई मैडम. मैंने पूछा तुमको, तुमको जाना है क्या नहीं? तुम तो नहीं गई मेरे साथ, और तुमको भी पूछा. मुझे बोला वो कुछ खा के आएगा. लेकिन तुम चल चुके थे. वो जो मैंने रेस्टोरेंट पे गई, तो रेस्टोरेंट क्लोज हो गई, तो मेरे लिए वो रेस्टोरेंट फिर से चालू कर दी. क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्यों तुम, मैं क्या देखा? चालू. हम साला इधर रेस्टोरेंट वाले को जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, भाई हमको भी चालू कर दो, हम थोड़ा तुम्हारा वीडियो बना देंगे. हमारे लिए कोई रेडी नहीं होता है भाई. देखो मैं रोजल आ रही हूं ना, स्पेशल गाइस, दैट्स स्पेशल. स्पेशल फालूदा. वो रंग बिरंगी फालूदा रहता ना, लाल पीला हरा नीला, वो अपना फालूदा. बैठो बैठो. हां बैठो. बहुत खाया मैंने. हम लोग तो इधर Instagram लाइव वीडियो पे थे. हम लोग Instagram लाइव वीडियो पे देख रहे थे. ओह मैं बहुत लकी हूं. लकी हो? नमस्ते. सो क्या कह गया? सुंदर कुड़िया. कुछ सुंदर कुड़िया नहीं, जॉब कर रहे अच्छा है. लड़की के पीछे जाए खत्म. फिर घर से भी बहुत मार पड़ेगा. मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बहुत बार कथा तेरा नहीं रखना चाहिए. इसके लिए संभाल के. और तुम लोगों को लगता रहेगा हम लोग थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, इसके बाद मजाक में सब लेग पुलिंग. बट तुमको मालूम नहीं, ऑफ कैमरा बहुत लेग पुलिंग होता है अपना. क्या होता है जो बेला अपने भी बहुत लेग पुलिंग करती है ना, खींचते रहते. तो पब्लिक बोलेगी बेचारे की सब लोग मजाक उड़ा रहे. तो चुरस खाई, उसको साथ व्हाइट सॉस थी, ब्लैक डार्क सॉस थी. डार्क सॉस क्या मतलब? मेरे को आज दिन में भी खाना खाने गए वहाँ पे, तुम लोगों ने देखा रहेगा चीज बॉल खा रही है, सब कुछ खा रही है. उसके बाद में मेरे को डाइट को, वो मैं डाइटिंग पे ना, मैंने बोला बच्चे ये कौन सा लॉजिक है? चीज बॉल खाओ, चिकन चिल्ली खाओ, सबको दुनिया भर का ऑयली खाओ, और लास्ट में नहीं नहीं मैं तो डाइट पे, मेरे को डाइट कोक चाहिए. मतलब सही है तू, ये तो बहुत खा रहे. ना देखो ना, मैं जो खाती हूँ वो उसको मैं, मुझे नहीं लगता मैं फैट हो जाऊँ. जब कोई ड्रिंक्स खाती हूँ तब मुझे लगती है मैं अभी फैट हो जाऊँ. तुमको ले जाऊँगी कल. तुम खाली बोलती हो और चले गई. तो तुमको बोला, तुम तो नहीं गई. नहीं गई तो मैं बोला और बोलोगी तब मैं चलता था ना. ठीक है तो मैं कल ले जाऊँगी ना. कल लेके जाऊँगी, देखता मैं कहाँ पे लेके जाऊँगी. कल लेके जाऊँगी और पानी पूरी खाऊंगी. तुम खाओगी, मेरे को खिलाओगी. ठीक है. हमारे देश में तो पानी पूरी नहीं है, पुचका है, बैठो ना. तो भेल पूरी है. और ये अच्छा लग रहा है ड्रेस. थैंक यू. कब से वो पिंक पिंक पहनी थी उसे तो लागू ना, अच्छा लग रहा है कितना. ये नया लिया, ऐसे लिया? नो, ये चाइना से लिया है. चाइना कब गए? चाइना से मेरे एक फ्रेंड गई थी, वो मेरे लिए. सब जगह फ्रेंड्स भेजो, हमारे लिए कुछ लाते नहीं. तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स लेके आ रहे चाइना. क्या झूठ बोलती हो? हमारे फ्रेंड्स साले कुछ लेके नहीं आते यहाँ से चाइना. ही ना से फ्रेंड्स लेके आ रहे. झूठ बोलता है. तुम मुझे क्यों, कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया? गिफ्ट मैं दिल देता ना, और क्या चाहिए. गिफ्ट बंद कर दिया मैंने, बहुत लाड़ लड़की होगा. कितने लोग से मिल रहा, सबको गिफ्ट देते रहूंगा तो खत्म. इतने आज मेरा जो नेपाली फ्रेंड आई, हमारी जो नेपाली फ्रेंड थी, तो मुझे गिफ्ट दिया है. तुमने मेरे को गिफ्ट दिया? मैंने क्या गिफ्ट दूँ, मैंने तो बांग्लादेश से आई, इतना बड़ा गिफ्ट चाहिए. तो किभाबे बोली, मैंने इस थेके की बड़ो गिफ्ट चाहो तुम्हें. तुम्हें तुम लोग बातों में मत आओ, इग्नोर कर दो ये सब चीज़ों को, ज़्यादा ध्यान मत दो.
मेरे को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मॉर्निंग में मैं सो रहा था उठ के, तो भी कोई कोई जाके ना कुछ खा रहा है और मैं फोटो देख रहा हूँ, नूडल्स वूडल्स कौन खा के आया इधर से, इंस्टाग्राम स्टोरी देख रहा हूँ, मैं मेरे को उठाया भी नहीं कोई, डेढ़ बजे उठ के आया और आके मेरे को दो बजे, अरे तुम सो रहे थे मैं जाके खा के आई, मैं लेके तो आना चाहिए पार्सल कुछ तो खाई थी, मैं तो उठ के नारियल पानी जा रहा हूँ तो भी, हाँ चलो यार बेचारी नहीं है मेरे साथ आई है, गुम नहीं जाना चाहिए तो भी, और जब मैं अकेला जा रहा हूँ ना तो मैं बोलती नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। गाइस मैं बोलूँ तुमको मेरा विश्वास करो, मुझे मिथिलेश बहुत रात तक सोया नहीं है, वो एडिटिंग कर रही है, थोड़ा काम कर रही थी, तो मैंने देखा बहुत रात तक वो बैठा है, तो बहुत रात के सोया है, तो मैं क्या करूँ, मैंने उसको जाके परेशान करूँ तो वो नाराज हो जाएगी, तब मैं क्या किया अकेला चली गई ब्रेकफास्ट करने के लिए, तभी क्या किया फिर शाम को कौन सा मिथिलेश नाराज होता था, मिथिलेश जाग रहा था इधर बैठा था। हाँ नानी सब झूठ है ना, तो रात को अपन सोए थे क्या, अपन तो जाग रहे थे, अपन सोचे थे कोई कुछ पूछे कहीं कुछ जा रहा है तो नहीं, कहाँ का है